दिल्ली में मुंबई वाला स्वाद मिलने वाला है, पूरा मिल जाता है, पूरा मिल जाएगा। ये लग रही है जो इसकी क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, मतलब दोनों बहुत अच्छी दी है। जो भाव हमारे पाव को अच्छे से फ्राई किए हैं बटर में, बहुत अच्छे से मतलब पता चल रहा है कि इनको बटर में अच्छे से फ्राई किया है। साथ में सैलेड दिया, तो मैं टेस्ट करने वाली हूं, बताने वाली हूं कि इसका एक्चुअल टेस्ट क्या है, क्योंकि इन्होंने बोला कि झकास मिलने वाला है, तो देखते हैं क्या ये वाकई में झकास है या नहीं। और अच्छे से जो बटर डाले, मतलब बहुत अच्छे से खुशबू, बहुत अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको ये टेस्ट कैसा है। मतलब खाते बस मुझे झकास। दोस्तों आज आपको झकास पाव भाजी खिलाने वाले हैं, जहाँ पे आपको झकास अमूल बटर वेज पाव भाजी मिलेगी, झकास अमूल मसाला पाव भाजी मिलेगी, आपको हर चीज यहाँ पे झकास मिलने वाली है। तो आखिर इनके झकास में ऐसा क्या मैजिक है, क्या एक नया इसमें ट्विस्ट है, क्या एक इसमें अलग सा स्वाद है, तो आज हम आपको वो खिलाने वाले हैं। तो भैया आपकी कब से शॉप है यहाँ पे? मैम कम से कम 10-15 साल हो गया। 15 साल हो चुके हैं। तो ऐसे मतलब आपकी पाव भाजी में ऐसा क्या है, एक मतलब मैजिक है? हम सब बॉम्बे के लगे बनाते हैं, दिल्ली जैसा नहीं बनाते। पूरा जैसा नहीं है, नहीं पूरा। तो मतलब दिल्ली में मुंबई वाला स्वाद मिलने वाला है? पूरा मिल जाता है, पूरा मिल जाएगा। क्या बात है, क्या क्या डालते हैं आप इसमें? टमाटर हो गया, शिमला मिर्ची, मटर, आलू, ये सब डालते हैं। ये सब डालते हैं। तो आप हमें क्या खिला रहे हैं आज? आपको पाव भाजी खिला रहे हैं, बटर पाव भाजी। बटर पाव भाजी, क्या बात है, बढ़िया तरीके इसमें बटर डाला गया है। मतलब अमूल बनता है, प्योर अमूल। क्या बात है, मतलब कि एक अलग सी और एक अच्छी सी महक भी आ रही है। तो स्वाद तो मतलब लग रहा है, जब महक इतनी अच्छी है तो स्वाद तो और अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जबरदस्त ही मजा आने वाला है। इसमें और क्या क्या डालते हैं आप? इसमें चार ही आइटम पड़ता है सर, टमाटर हो गया, जीरा हो गया, शिमला मिर्ची, मटर, आलू। तो आपने ये क्या सोचा कि दुकान का नाम झकास रखा जाए? मैम झकास पाव भाजी है, पूरा झकास रहता है। क्या बात है, मतलब कि फुल आपको यहाँ पे आके मजा आने वाला है, फुल आपको यहाँ पे मुंबई वाला स्वाद मिलने वाला है। तो दादा बहुत अच्छा बनाने वाले हो? हाँ बहुत अच्छा बनेगा। क्या बात है, मतलब कि मजा आने वाला है, क्योंकि दादा देखो कितने अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे इसको पका रहे हैं, क्योंकि भाजी जब तक अच्छे से पके ना उसमें स्वाद नहीं आता है, और यहाँ पे इन्होंने बटर डाल के जो अच्छे से पका रहे है ना, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी अच्छी आ रही है, तो खाने में क्या मजा आने वाला है वो तो आपको पता ही चल जाएगा थोड़ी देर में। तो क्या बात है, बटर में पाव को भी अच्छे से फ्राई किया जा रहा है, और बहुत अच्छे से, मतलब बटर ऐसा नहीं है कि कंजूसी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बटर लगाया जा रहा है। और अब जो पाव है उनको अच्छे से फ्राई करा जा रहा है, उस पर धनिया डाला जा रहा है। ये तो पाव अपने पैकेट वाले होते हैं? हाँ जी मैम। मतलब कि घर के होते हैं मार्केट में? नहीं, हमारे पाव भाजी के लिए स्पेशल बनवाते हैं हम लोग। स्पेशली बनवाते हैं आप लोग? अलग से बनवाते हैं। ये आपका जो हार्वेस्ट का पाव होता है, ये यहाँ पे उसमें खमीरी होती है, मिठास पर होता है। ये हमारा पाव अलग से बनता है भाजी के हिसाब से, इसमें खमीरी और वो मिठास नहीं होती? नहीं बिल्कुल नहीं होता है। क्या बात है, मतलब कि आपके यहाँ पे कौन से वाले? ये बम्बई के पाव बनते, मुंबई वाले पाव है। क्या बात है, मतलब मुंबई वाला यहाँ पे स्वाद मिलने वाला है और मजा आने वाला है। और जो भाजी है वो बन के रेडी हो गई है हमारी। ओहो, मतलब बटर वाली भाजी, मतलब बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, बहुत इसमें अच्छा टेस्ट आने वाला है। जो बटर और जो सब्जियां यूज करी गई हैं, जिस तरह से पकाया गया है, मजा ही आ रहा है। ये क्या डाल रहा हूँ ऊपर से? बटर है। बटर है, क्या बात है, मतलब अगर बटर भाजी बोली है तो पता चल रहा है कि इसमें बटर है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें बटर डाला गया है, क्योंकि बटर इसमें इतनी अच्छी क्वांटिटी में डाला गया है कि खाने में स्वाद आना चाहिए बटर का। क्या बात है, हमारी प्लेट रेडी हो रही है? एक मिनट। क्या बात है, मतलब अभी और इसमें कुछ डालने वाले हैं? क्या ऐसा डालने वाले आप इसमें? क्या बात है, मतलब इसमें नींबू का फ्लेवर भी देने वाले हो आप? वाह वाह वाह, मतलब बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आने वाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर। तो अभी नींबू अब रेडी हो रही है। तो लो जी, जो हमारी भाजी है वो रेडी हो चुकी है और वो आ चुकी है बनके, और बहुत अच्छी है भाजी लग रही है। जो इसकी क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, मतलब दोनों बहुत अच्छी दी है। जो और हमारे पाव है वो अच्छे से फ्राई किए गए हैं बटर में, बहुत अच्छे से मतलब पता चल रहा है कि इनको बटर में अच्छे से फ्राई किए हैं। साथ में सैलेड दिया है, तो मैं टेस्ट करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि इसका एक्चुअल टेस्ट क्या है, क्योंकि इन्होंने जो बोला कि झकास मिलने वाला है, तो देखते हैं क्या ये वाकई में झकास है या नहीं। और अच्छे से जो बटर भी डाला है, मतलब बहुत अच्छा इस पर खुशबू, बहुत अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं। तो मैं खा के बताती हूँ आपको ये टेस्ट इसका कैसा है। मतलब मुँह से खाके बस मुँह से निकल रहा है झकास, क्योंकि जो उसका मतलब टेस्ट है बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। जो इसमें मसाले यूज़ किए गए हैं, जो वेजिटेबल्स यूज़ किए गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बहुत अच्छे हैं, और ऐसे नहीं कि मसाले बहुत हाई कर रहे हैं, एकदम मतलब बहुत अच्छे से इक्वल, मतलब जो भी मतलब इसमें डालना चाहिए उस हिसाब से इसमें डाले गए हैं। भाजी को भी अच्छे से फ्राई किया गया है,
तो मैंने तो ट्राई कर लिया, अगर आपने भी ट्राई करना है तो आपको आना है दिल्ली में, और दिल्ली में सेक्टर 8 की मार्केट में आपको यहाँ मिल जाएगा झटास पाव भाजी वाले, जो कि मुंबई की स्पेशल है। यहाँ पे मुंबई टू मुंबई जैसा फ्लेवर मिलने वाला है। दिल्ली में तो आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में ही आओ सेक्टर 8 में रोहिणी में और टेस्ट करो और ट्राई करो। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमें बताओ कि आपको यहाँ की पाव भाजी कैसी लगी।